हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार स्वीट होम। आज मैं आपके लिए आलू चिप्स की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत इजी तरीके से बन जाएंगे और बहुत कम टाइम में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। चिप्स काटने के लिए हमें इसी तरीके के आलू की ज़रूरत होती है। अभी इस टाइम पे धूप भी इतनी अच्छी निकल जाती है कि हमारे जो आलू के चिप्स हैं बहुत अच्छी तरीके से वो ड्राई हो जाएंगे। इन बड़े आलू को मैं काटूंगी। यहाँ पर आपके पास कोई भी चिप्स कटर हो आप उसे काट सकते हैं। मार्केट में हर तरीके के चिप्स कटर हर डिज़ाइन के अवेलेबल हैं, आप उस तरीके से काट सकते हैं। हमें आलूओं को इसी तरीके से पानी में रख के काटना है, अदरवाइज़ नहीं तो हमारे जो पोटैटोज़ हैं वो रेड हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए कितने पतले पतले स्लाइसेस कट रहे हैं इनके। यहाँ पे मैंने कुछ डिज़ाइनदार भी काटे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ये। आप इस तरीके से कई डिज़ाइन के भी चिप्स यहाँ पे कट कर सकते हैं। सभी चिप्स मैंने यहाँ पर कट कर लिए हैं। अब इन्हें हमें बॉईल करना है। बॉईल हमें इन चिप्स को बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस एक उबाला मारना है, नहीं तो ये आलू हमारे जो हैं पूरे मैश हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने एक बड़ा बर्तन लिया, उसमें मैंने पानी डाला है और नमक डालूंगी। यहाँ पे मेरे चिप्स ज़्यादा हैं इसलिए मैंने ये बड़ा बर्तन लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सभी चिप्स को एक बार अच्छे तरीके से धो के मैं इस पानी में डालूंगी। हमें पानी में नमक पहले से ही डाल देना है, इससे क्या होता है कि फ्राई करने के बाद हमें इसमें नमक मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनको अब हम बॉईल करने के लिए रख लेते हैं। आप बीच बीच में आलू को चेक भी कर सकते हैं कि ये बॉईल्ड हुए हैं कि नहीं हुए हैं। यहाँ पे आलू को मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। अभी ये हमारे अच्छे तरीके से नहीं पके हैं, इन्हें मैं थोड़ा सा और कुक करूँगी। जब आपके आलू बॉइल्ड हो जाएं तो आप इस तरह किसी भी टोकरी में इन चिप्स को निकाल लीजिए ताकि उसका जो पानी है अच्छी तरीके से ड्रेन हो जाए। अब मैं इनको सुखाने के लिए डालूँगी। अभी जिस हिसाब से आजकल की धूप हो रही है, आप इन धूप में इन्हें बस 2 दिन के लिए सुखाइए। आपके चिप्स 2 दिन में ही बहुत अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएंगे। आपस में जो आलू चिपके हों आप उन्हें अलग करके ही धूप में डालना। यहाँ पे देखिए ये 2 दिन की धूप में सूखे हुए चिप्स हैं, ये बिल्कुल फ्राई करने के लिए रेडी हैं। इस तरीके से आप चिप्स बहुत जल्दी बना सकते हैं। प्लीज़ आप इस तरीके से एक बार ये चिप्स ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। यहाँ पे देखिए चिप्स कितनी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं।
आप घर पे इसी तरह का मार्केट से भी अच्छे चिप्स बना सकते हैं। इन चिप्स को आप व्रत में भी खा सकते हैं, बस आप इसमें रेगुलर सॉल्ट की जगह इसमें आप सेंधा नमक का यूज़ कर सकते हैं। ये चिप्स हमारे व्रत में भी काम आएंगे। आप इस तरीके से चिप्स बनाना एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।